76 दिन बाद दिल्ली को आज मेयर मिलेगा। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग राइट देने के विवाद पर पहले 3 बार टल चुका चुनाव, धक्का मुक्की कुर्सियां फेंकी गईं। दिल्ली को 76 दिन बाद बुधवार को नया मेयर मिलेगा। चुनाव सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पिछले साल 8 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। मेयर के साथ डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को 3 बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार भाजपा और आप के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई। सदन में धक्का मुक्की कुर्सियां फेंकी गईं। हंगामे की वजह LGBT के सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 MCD सदस्यों को वोट देने की अनुमति का फैसला था। इसे लेकर आपकी मेयर प्रत्याशी शैली ओब्रॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। इसमें मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसलों को चुनौती दी गई। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया था। 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा था। दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।